फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, बिकॉज यहाँ से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। एक से दो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो एक से दो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं, अब इस जो आपका इस तरीके के फिगर में ट्रायंगल को काउंट करने के लिए अगर बोले कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं या इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो आप इसे कैसे काउंट करोगे, इस सभी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और भी वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अगर हमसे बोले इस ट्रायंगल को काउंट करने का, तो इस ट्रायंगल को तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगर आपको भी मिले तो आप इस ट्रायंगल को आसानी से इसे काउंट कर लोगे कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। बट इस फिगर को आप आसानी से काउंट कर सकते हो, बट जैसे ही थोड़ा सा फिगर बड़ा हो जाए, जैसे ये कि ये क्वेश्चन, तो उसे हमें काउंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम सबसे पहले छोटे फिगर से यहाँ पे देखेंगे। तो हम अगर इस फिगर की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको चेक यहाँ पे क्या करने होते हैं कि ये जो फिगर है उसमें कितने ट्रायंगल्स में, कितने पार्ट्स में ये ट्रायंगल जो है, ये स्क्वायर जो है कितने पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड है। तो हमने देखा, अगर इसे देखने की कोशिश करते हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स में। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि 4 से आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस फिगर में आपके 8 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। आप इसे अगर काउंट करने की कोशिश भी करते हो तो आप इसे कर सकते हो। 4 ट्रायंगल हो गया। फिर हमने अगर इसे ए बी सी एंड डी नाम दिया है, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 कर देंगे। इस तरीके से हमारा ए बी डी ट्रायंगल और इसके जस्ट अपोजिट का ट्रायंगल, इस तरीके से आप इसे काउंट कर सकते हो। जैसे कि अगर इसी फिगर में हमने एक लाइन और कम कर दी है यहाँ पे से आपके लिए, तो हमने जैसे इसमें एक लाइन कम किया तो ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 पार्ट पे अगर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हमारे कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें जो है आपका रूल जो है ये वाला वर्क नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन आपके 2 पार्ट्स वाले पूछेंगे भी नहीं, आपको पूछेगा 4 पार्ट्स पे। तो हमने कर दिया 1, 2, 3, 4, तो 4 × 2 = 8 हो गया। अब अगर नेक्स्ट फिगर की बात करें, इसे तो आप सोच रहे होगे कि हम तो वैसे ही काउंट कर सकते थे, ये तो हमें याद करना पड़ेगा। बट जैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे अगर बढ़े, तो हमने यहाँ पे अगर इसे काउंट करने की कोशिश की, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पार्ट्स में। तो इस फिगर में जैसे ही हमसे ट्रायंगल पूछे, तो हम यहाँ पे कर देंगे 6 × 2, यानी कि 12 ट्रायंगल्स। ये हमारा 12 ट्रायंगल्स आसानी से आ गया। अब अगर इसी फिगर में हमारा एक पार्ट और कर दे इस तरीके से, अब हमने यहाँ पे कर दिया 4, 5, 6, ये हमारा 7th पार्ट हो गया एंड ये 8th पार्ट। तो ये हमारा आ गया 8 × 2, यानी 16। यानी इसमें हमें जितने भी पार्ट्स कर दे ये हम आसानी से काउंट कर सकते थे। तो ये तो थी इस फिगर को काउंट करने की तरीका। बट अगर इसी में एक और स्क्वायर इस तरीके से आपको टच करके फिर से यहाँ पे इस तरीके से हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे काउंट करेंगे, वो हम चलते देखते हैं नेक्स्ट फिगर में यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जो आपका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने बोला था कि अगर उसी में हमने एक स्क्वायर और बना के इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो सबसे पहला तो आपको पिछले क्वेश्चन की तरह फॉर्मूले अपनाने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इस फिगर में 8 ट्रायंगल्स एंड उसी तरीके से इस फिगर में भी 8 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। बट इसके आगे की जो यहाँ पे पॉइंट आती है कि ये तो हमने कर दिया 8, 8, 16 ट्रायंगल्स, बट क्या इस फिगर में 16 ही ट्रायंगल्स होंगे, तो नहीं। अब जो यहाँ पे और भी ट्रायंगल्स बनेंगे उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं इसे नंबरिंग कर देती हूँ, ए बी सी डी ई एंड एफ हमने कर दिया। उसके बाद अगर हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये सारे ट्रायंगल्स तो हमने काउंट कर लिया, बट जैसे ही 2 स्क्वायर्स को जोड़ने की बात आई तो हमने बी ई सी ट्रायंगल को यहाँ पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा आ गया एक तो ट्रायंगल बी ई सी, दूसरा जो है इसके जस्ट अपोजिट का ट्रायंगल भी हमने यहाँ पे छोड़ दिया। वो आपका जस्ट अपोजिट का ट्रायंगल क्या था, तो ए एफ डी। तो ये हमारा एक और ट्रायंगल हो गया ए एफ डी, यानी इस फिगर में अगर बात करें तो 16 और 2 ट्रायंगल्स और, यानी 18 ट्रायंगल्स हो गए। तो ये तो थी आपके इस क्वेश्चन की। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बस आपको एक लाइनिंग और कर दे और आपको क्वेश्चन थोड़ा सा और अगर बनाना चाहे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना देगा इसके बीच में एक और लाइनिंग डाल के। अब इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे, तो सबसे पहले तो अब हमारा यहाँ पे इस फिगर में बात किया जाए तो आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 तो हमारा हो गया, इसके हमने कर दिया 5 एंड इसे ही कर दिया 6। तो 6 × 2 = हमारा यहाँ पे 12 एंड इस फिगर में भी 12। तो 12, 12 तो हमारा 24 हो गया।
बट इसके बाद जो हमारे ट्रायंगल्स बच गए उसे हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे नंबरिंग को और बढ़ानी पड़ेगी। हमने एफ तक किया था, हमने यहाँ पे कर दिया जी एच। अब जो आपको यहाँ पे ट्रायंगल हमने लिखा था उस ट्रायंगल को आप सबसे पहले लिख लो, ट्रायंगल बी ई सी को, जो कि हमने पहले ही आपके लिए लिख दिया था। और एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिखा था ट्रायंगल ए एफ डी को। तो ये आपका कुल 26 ट्रायंगल हो गए। बट इसके बाद भी अगर आप इस पे ध्यान से देखो तो हमारा कुछ ट्रायंगल जो है वो आपका और भी बन रहा है। वो क्या बन रहा है, अगर हमने इसे दे दिया आई एंड जे का भी नाम दे दिया, तो यहाँ पे आपको जो एक और ट्रायंगल बन रहा है आप देख सकते हो, ई आई जे भी जो है दोनों ट्रायंगल को मिला के ही बनेगा। ये वाली ट्रायंगल भी दोनों ट्रायंगल को बिना के ही बनेगी। तो एक तो आपका ई आई जे हो गया और एक इसके जस्ट अपोजिट का हमारा चला गया, वो क्या हो गया, तो आई एफ जे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा जो है कितने ट्रायंगल्स हो गए, तो 24, और चार ट्रायंगल ये, यानी इस फिगर में हो गए आपके 28 ट्रायंगल। अब अगर इसी फिगर में एक और स्क्वायर को बढ़ा दे तो अब उसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे उसे अब हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर में। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फिगर है, जैसा कि हमने बोला था अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पर 3 स्क्वायर कर दें तब इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो सबसे पहले तो सेम वे चलेगा आपका, 4 × 2 = 8 वाला, और ये भी 8 और ये भी 8, तो 8 × 3 = 24, तो हमारे पास पहले से ही ट्रायंगल्स हो गए। अब जो ट्रायंगल्स बच रहे हैं उसे हमें देखने हैं। तो हमने यहाँ पे नेमिंग फिर से कर दिया ए बी सी डी ई एफ जी एन एच का। अब अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को देखें तो सबसे पहले हम ये ट्रायंगल्स को अगर आप यहाँ पे से साइड कर दो तो यहाँ पे हमारे पास बस दो स्क्वायर बच रहे हैं। हमने इस स्क्वायर को यहाँ पे साइड कर दिया तो एक आपको ट्रायंगल बन जाएगा क्या, तो इसे हमने एफ लिखा था। तो सबसे पहले ट्रायंगल हमारा बन गया बी डी एफ, तो ये हमारा हो गया बी डी एफ, यानी कि ये वाली ट्रायंगल आपकी। फिर दूसरी जो है इसके जस्ट अपोजिट में जाएगी वो आपकी कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, तो ए सी ई ट्रायंगल। अब इसके बाद जो है हमने अगर अब हम फर्स्ट फिगर को साइड कर दें, यानी इस वाली फिगर को हमने साइड कर दिया, तो फिर से हमारे पास दो स्क्वायर्स बचते हैं और उसके जो ट्रायंगल्स हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाती है, तो ट्रायंगल सी ई जी। एंड फिर जो हमारा इसका एक ट्रायंगल बनेगा वो एक बनेगा डी एफ एच का। यानी टोटल हमारे कितने ट्रायंगल्स हो गए, तो 24 × 4 = 28, यानी इस फिगर में आपके 28 ट्रायंगल हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।